खबर राजधानी देहरादून से है, जहां सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया समन्वय के लिए चुनाव की दृष्टि से हरिद्वार रोड पर स्मृपन पुल के पास स्थित एक निजी होटल में प्रदेश मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम धामी के साथ भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम व प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि नामांकन की तिथियां तय कर दी गई हैं, जिसके तहत हरिद्वार में 22 को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत नामांकन करेंगे। अल्मोड़ा से 22 मार्च को अजय टमटा नामांकन करेंगे, तो वहीं पौड़ी से 26 मार्च को अनिल बलूनी, टियरे से 26 मार्च को राजलक्ष्मी शाह से नामांकन करेंगी और सभी प्रत्याशियों के नामांकन में सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चुनाव से पहले उत्तराखंड के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन या वोट देने के लिए 19 तारीख का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मतदान के दिन सारे लोग उत्साह के रूप में मनाएंगे। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। के सभी प्रत्याशियों की नामांकन की तिथि तय हो चुकी है, वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। 22 तारीख को अल्मोड़ा के प्रत्याशी हमारे अजय टमटा जी नामांकन करेंगे। उसका 23 तारीख को 22 को ही, क्योंकि हरिद्वार में डिजिटल नामांकन की पद्धति प्रारंभ हुई है और मोदी जी के डिजिटल के जो विश्वव्यापी जो संदेश है, उस संदेश को देने के लिए हमारे हरिद्वार के प्रत्याशी श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी 22 तारीख को तो डिजिटल नामांकन करेंगे, ऑनलाइन नामांकन करेंगे और 23 तारीख को फिर हम वो एक जन समर्थन के रूप में उनका नामांकन कार्यक्रम होगा। 26 तारीख को टीरी और गढ़वाल लोकसभा का नामांकन होगा और 27 तारीख को नैनीताल लोकसभा का नामांकन होगा। सभी नामांकनों में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, मेरा स्वयं रहना होगा, हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी भी, उनकी तिथि आएगी होली के बाद की तिथि उन्होंने दी है, 26-27 तारीख में नामांकन में उनका रहना होगा और भी केंद्रीय नेताओं की नामांकन में आने की संभावनाएं हैं। उत्तराखंड के लोग हमारे देश के यशस्वी नेता, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को समर्थन और वोट देने के लिए 19 तारीख का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 19 तारीख का मतदान का दिवस आए और सारे लोग इसको एक उत्सव के रूप में मनाएंगे, एक त्यौहार की तरह मनाएंगे। और बड़े अंतर से यहाँ से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। चुनाव आयोग द्वारा IAS दिलीप जावलकर को उत्तराखंड का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। 18 मार्च को चुनाव आयोग ने गृह सचिव शैलेश बगौली को पद से हटाया था, जिसके तहत उत्तराखंड में गृह सचिव की जिम्मेदारी IAS दिलीप जावलकर को सौंपी गई है। बता दें कि 18 मार्च को भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशों के बाद उत्तराखंड में गृह सचिव शैलेश बगौली को उनके पद से हटा दिया गया था। उत्तराखंड गृह सचिव के लिए चुनाव आयोग ने 3 अधिकारियों का नाम पैनल में रखा था। मंगलवार को चुनाव आयुक्त के साथ दूसरे अधिकारियों ने बैठक की और यह निर्णय हुआ कि वित्त सचिव दिलीप जावलकर को उत्तराखंड में गृह सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया जाएगा, जिसके बाद से अब चुनाव आयोग ने उनके नाम पर मोहर लगा दी है। उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ अवनीश जैन की रिपोर्ट।